साथियों, पश्चिम बंगाल के लोगों से विश्वासघात करने वाली दीदी 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 इतना समझ लो, ये देश की जनता गलती माफ कर सकती है, ये देश की जनता अगर आपसे कोई गलती हो गई तो माफ करने के लिए हमेशा तैयार रहती है, लेकिन ये हिंदुस्तान की जनता, ये पश्चिम बंगाल की जनता सब कुछ माफ कर सकती है, विश्वासघात कभी माफ नहीं कर सकती। और दीदी, आपने विश्वासघात किया है, आपने विश्वासघात किया है। आज जो पश्चिम बंगाल में गुस्सा है वो आपके विश्वासघात का है, और इस विश्वासघात की कीमत ये नौजवान लेके रहेगा, दीदी लेके रहेगा। दीदी, आपके जमीन खिसक चुकी है, और दीदी देख लेना, 23 तारीख को जब नतीजे आएंगे, चारों तरफ कमल खिलेगा, तो तुम्हारे विधायक भी आपको छोड़कर के भाग जाएंगे। दीदी देख लेना, आज भी दीदी तुम्हारे 40 विधायक मेरे संपर्क में है, आज भी दीदी तुम्हारा बचना मुश्किल है अब, क्योंकि आपने विश्वासघात किया है। हालत यह है, अब सुनिए दीदी क्या कह रही है, सुनेंगे। दीदी क्या कह रही है, गुस्सा इतना है, गुस्सा इतना है। दीदी कह रही है, अब दीदी कह रही है, अब वो यहां की, और दीदी ने माटी और मानुष की बातें कही थी ना, दीदी ने माटी को छोड़ दिया है, और दीदी ने घोषणा की है कि वो अब मुझे बंगाल की मिट्टी और पत्थरों से बना रसगुल्ला खिलाना चाहती है। वाह, क्या सौभाग्य है, दीदी मुझे बंगाल की मिट्टी और पत्थरों से बना रसगुल्ला खिलाएगी। भाइयों बहनों, बंगाल की मिट्टी का रसगुल्ला का मतलब क्या होता है, जिस मिट्टी पर रामकृष्ण परमहंस पैदा हुए, जिस मिट्टी पर स्वामी विवेकानंद पैदा हुए, चैतन्य महाप्रभु पैदा हुए, जगदीश चंद्र बोस हुए, नेताजी सुभाष बाबू हुए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी हुए, ऐसे ऐसे महापुरुष, अनगिनत महापुरुष, अनगिनत क्रांतिकारी, जिनकी चरण रज इस बंगाल की मिट्टी पर पड़ी है, जिन महापुरुषों के पैरों की धूल, इन महापुरुषों के पैरों की धूल बंगाल की माटी, भाइयों बहनों वो माटी, उसका रसगुल्ला मोदी को मिलेगा, ये तो मोदी के लिए प्रसाद होगा, प्रसाद। दीदी मेरा भाग्य खुल जाएगा, क्योंकि मेरे लिए मिट्टी पवित्र है, मेरे लिए मिट्टी प्रेरणा है, मेरे लिए मिट्टी ऊर्जा है। दीदी,
मैं इंतजार करूंगा, दीदी मैं इंतजार करूंगा बंगाल की मिट्टी के रसगुल्ले की। मैं आपका बहुत आभारी हूं दीदी, मैं एडवांस में आपका आभार व्यक्त करता हूं। ऐसा ऐसा पवित्र प्रसाद किसी के नसीब नहीं होता है। और दीदी आपने ये भी कहा है इस रसगुल्ले में यहां के पत्थर भी होंगे, मैं इसके लिए भी आभारी हूं क्योंकि आप जितने रसगुल्ले बना के भेजोगी उसमें जो 50-100 पत्थर आएंगे तो जो पत्थर तुम्हारे गुंडे यहां के निर्दोष नागरिकों के सर फोड़ने के लिए काम लेते हैं वो पत्थर भी तुम मुझे भेजोगी तो इस बंगाल के 50-100 नागरिकों के माथे भी बच जाएंगे। जरूर पत्थर भेज दो मुझे, और जितने ज्यादा भेज सकती हो भेज दो ताकि यहां के नागरिकों के माथे फूटने से कम इतने पत्थर तो कम हो जाएंगे। साथियों, इन्हीं महापुरुषों ने पश्चिम बंगाल को सामाजिक और राजनीतिक चेतना का केंद्र बनाया है। अब उन्हीं के आशीर्वाद से आपका ये मोदी, आपका ये चौकीदार बंगाल का पुराना गौरव वापस लाएगा भाइयों।